नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज सत्ता से दूर क्यों और सत्ता में क्यों नहीं आ रही है? मैंने आज बहुजन समाज और सर्व समाज की तुलनात्मक ढंग से इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखें। हमने जो कमियां निकाली है, जो समस्याएं निकाली है, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो आपको हार्दिक धन्यवाद जो आप मेरे साथ बने हुए हैं। रही बात ये कि जब हम समाज में कवर करने के लिए निकलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जो अपने अनुभव में पाया है वो मैं आपको बता रहा हूं। सर्व समाज जो सनातन धर्म को लेकर चलती है, हिंदू परंपरा को लेकर चलती है, उसमें एक दूसरे के प्रति सहयोग है। जितने भी राजा हुए, चाहे वो राजा रामचंद्र हो, वो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण उनकी पूजा करता है। जो श्री कृष्ण हुए, यदुवंशी हुए और ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं। एक दूसरे में सामंजस्य है। अगर आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलेंगे तो सब के सब आपका विरोध कर देंगे। लेकिन बहुजन समाज से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह क्या कारण है कि SC ST एक्ट के दौरान जो ये आंदोलन हुआ था, केवल एक ही समुदाय उग्र हुआ था, एक ही जाति उग्र हुआ था और उसी जाति के 14 लड़के शहीद हुए थे, बाकी जाति क्यों नहीं? जबकि 27% जो आरक्षण है SC ST का है, 22% OBC का है। किसी OBC के दरवाजे पर पेरियार या सावित्रीबाई फूले का फोटो क्यों नहीं? मेरा सवाल है, अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा हुआ आपने देखा होगा तो आप यकीन मानिए कि उस घर में कोई न कोई नेता होगा। स्टेज पर बहुजन बहुजन का नारा लगाने वाले स्टेज से उतरने के बाद चमार, वाल्मीकि और पासवान में विभक्त क्यों हो जाते हैं? यह मूल प्रश्न है। जातियों में क्यों बट जाते हैं? संत रविदास मंदिर का जो मामला था, दिल्ली में आंदोलन हुआ था, झंडे बालान में मैं कवर कर रहा था। अगर आप हमारे पुराने साथी होंगे तो आपने मुझे कवर करते हुए पक्का देखा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने परसेंट OBC उस आंदोलन में थे? क्या संत रविदास केवल एक ही जाति के संत और गुरु थे? ये मूल प्रश्न है। बहुजन समाज में एक से बढ़कर एक नेता हुए, क्या सब मिलकर एक दल नहीं बना सकते? क्या कोई परेशानी थी? हमारे बहन जी जो है, बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे उदित राज जी इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जबकि वो भाजपा में चले गए, भाजपा के बाद वो कांग्रेस में आ गए। PL पूनिया काफी अनुभवी हैं, ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और वह भी कांग्रेस में है। बहुत तरह के नेता, रामदास अठावले जी भाजपा के साथ हैं, बहुत सारे नेता अलग अलग दल में हैं। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं जो लेटेस्ट खबर है। जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर, इसमें दो पार्टी जो बहुजन समाज में चीर परिचित है, एक लोक जनशक्ति पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी। इन दोनों पार्टियों में एक समानता है, चुनाव से पहले, जस्ट 10 दिन पहले, बहुत सारे नेता आते हैं और टिकट लेते हैं और चुनाव के बाद चाहे जीत जाए तो भी भाग जाएंगे, हार जाए तो भागना ही भागना है। आपको ताजा रिपोर्ट बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बहुत सारे साथी मुझसे नाराज हो रहे थे कि आप बसपा का कवर नहीं कर रहे हो। उस वक्त बसपा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ था और उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, प्रैक्टिकल अनुभव है, घूमता हूं जगह जगह। आज उपेंद्र कुशवाहा जी कहां है? नीतीश कुमार जी के साथ। और यूपी में क्या अखिलेश यादव जी OBC नहीं है? आप जब कहते हो बहुजन समाज, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी से मुझे याद आया बहुजन समाज पार्टी का
एक विधायक माइनॉरिटी से था, बिहार में चुनाव जीता था, और वो कहाँ है? नीतीश कुमार जी के पास। मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी 4-6 सीट अगर जीत भी जाते, वो सारे विधायक कहाँ चले जाते? नीतीश कुमार जी के पास। और नीतीश कुमार क्या है? वो खुद ओबीसी है। बिहार में नीतीश कुमार ओबीसी सत्ता में, और तेजस्वी यादव भी ओबीसी और विपक्ष में। वहां पर सर्व समाज पीछे से बैकफायर करता है, पीछे से ऑपरेट करता है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जमाना बदला, सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का जमाना है, तो हर चीज में बदलाव आया है। पहले जो सर्व समाज के लोग मूर्ख हलवाहे को अपने दरवाजे पर रखते थे हल जोतने के लिए और काम करवाने के लिए, जिसको आप बेगार कह सकते हो, बगैर मजदूरी का काम करवाने वाले को हम बेगार कहते हैं। आपसे जानना चाहता हूं, हमारे देश में राजनीतिक बेगार कितने हैं? जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में बेगारी कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? आज हमने आपसे सवाल कर दिया है। आप कहते हो बार बार ये जो बहुजन समाज है 85%, अरे 85% में 15% ऐसे हैं जो काफी उच्च स्तर पर हैं और सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर जो है गुलामी करना जानते हैं। कहते हैं ना कि जब गुलामी की आदत पड़ जाए तो जंजीर भी जेवर लगता है, और ये हाल है बहुजन समाज का। बहुजन समाज में अच्छे अच्छे चेहरे हैं, और उन चेहरों को जो जंजीर से बांधा गया है वो जेवर लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। वो नाच कर गा कर अच्छे अच्छे पद पर बैठकर और फिर चाटुकारी करते हैं, फिर गुलामी करते हैं, चाहे उन्हें मंदिरों में घुसने ना दिया जाए, चाहे उन्हें जो भी काम कहा जाए वो करेंगे, क्योंकि सफेद कुर्ता पजामा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे पद नवाजे गए हैं। मेरा मकसद यह नहीं है कि बहुजन समाज की जो बंटवारा है, जो विभक्त है, ये बताना, लेकिन एक प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब आपसे जानना चाहता हूं, मैं नहीं दे पाता। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण हमसे पूछ दे कि बहन मायावती जी दलित हैं और मैं दलित नहीं, मैं क्या जवाब दूं? उदित राज जी ये पूछ दें कि बहन जी दलित और हम दलित नहीं, रामदास अठावले पूछ दें कि हमें क्यों इग्नोर कर देते हैं, सारे लोग पूछते हैं, आप अकेले बहन मायावती जी कहीं गुणगान करते हो क्यों? हम उनसे कहते हैं सब एक जगह आ जाओ, सब सब एक जगह आ जाओ। मान लीजिए 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को लेकर मूव करेंगी, और उधर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को लेकर मूव करेंगे, और आप कहते हैं कि बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सबको मिलाकर है, क्या आजम खान जी माइनॉरिटीज में नहीं आते? अगर वो सवाल कर दें, क्या ओबीसी और माइनॉरिटीज को आपने बहुजन समाज से बाहर कर दिया है? जब बात आप बहुजन समाज की करते हो तो आप हमारी भी करो। वहां दुविधा हो जाती है एक पत्रकारों के लिए, यार ये क्या करें, सब के सब बिखरे पड़े हैं, किसका सुने किसका नहीं सुने। राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली में जो है बाल कल्याण मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने बुलाया और एक ही प्रश्न किया, क्या हम बहुजन नहीं हैं? और मैं गया उनके पास, मैंने कहा हाँ जी हम आपके पास भी आएंगे, पत्रकार हैं पक्षकार नहीं हैं, हम सभी बहुजन समाज के लोगों को जो है कवर करते हैं। अब ये यहां पर रोना इस बात का है कि पूरे देश का बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सब के सब एक जगह क्यों नहीं, जबकि सर्व समाज सब एक जगह हो जाता है। अगर ब्राह्मण कोई यज्ञ करे तो राजपूत क्षत्रिय उसमें आहुति देने पहुंच जाता है, बहुत सारे सेठ साहूकार पहुंच जाते हैं। ये धन्ना सेठों की कमी बहुजन समाज में भी नहीं है, लेकिन यह भी मंदिर को तो चढ़ावा दे सकते हैं,
परंतु आपके घर में बेरोजगार युवा जो बैठे हुए हैं उसको कोई एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी खरीद कर नहीं देंगे, एक कंप्यूटर अथवा एक फोटो स्टेट मशीन भी नहीं खरीद कर दे सकते ताकि वो अपना घर चला ले। ऐसा क्यों? वहां सहयोग है, यहां टांग खींचने वाली कहानी है, ऐसा क्यों? ये सवाल है। बहुजन समाज की मानसिकता को बदलना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए आना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संगठित हो जाओ, रोज रोज एक छोटे छोटे संगठन मत बनाओ। हर रोज पार्टियां बनती है, हर कोई यही कहता है अहम ब्रह्मोसी, मैं ही नेता हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और इस तरह की जो धारणा पनप रही है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, दो चार डायरेक्टर्स हो उसमें, इस तरह से ये पार्टियां बनाते हैं और अपना भाषण देना शुरू कर देते हैं। हाल की ताजा घटना हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन हो गया, अधिसूचना जारी हो गई पंचायत चुनाव का, जिला पंचायत चुनाव का, और बिहार में भी होने वाली है। आप पंचायत चुनाव में देखिएगा, हर बहुजन मोहल्ले से दो तीन कैंडिडेट होगा एक ही जाति के वोट काटने के लिए, ताकि इनको हम आगे नहीं बढ़ने दें, और उधर सर्व समाज से एक कैंडिडेट होगा, पूरे सर्व समाज का उसको वोट मिलेगा, और बहुजन समाज के वे लोग वोट देंगे जो उनसे उधार लिए हुए हैं, जो ऋण लिए हुए हैं ब्याज के ऊपर, वो भी उनको वोट देंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके खेतों में काम करने जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं, वो भी उन्हीं को वोट देंगे, और वही लोग बहुजन समाज में अपने तरफ से पैसा देकर नामांकन करवा देंगे ताकि बहुजन समाज की वोट कट जाए। अगर मैं सही हूं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है हर जगह है कि एक ही जाति के दो तीन कैंडिडेट को खड़ा कर दो ताकि इनका वोट दो तीन फार हो जाए और उधर हम चुनाव जीत जाए। यही है मेन ट्रिक प्रधानी का, गांव में जो प्रधानी होती है इसी ट्रिक के ऊपर। और प्रशासन भी दबंगों के साथ होती है, पहले तो आप दो तीन कैंडिडेट दे देते हैं, ऊपर से आपके पास खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं होते, और पंचायत चुनाव में भी अच्छा खासा खर्च होता है। उत्तर प्रदेश में तो दारू खुला ही है, दिक्कत क्या है? और रही बात यह कि बकरे भी कटेंगे और मुर्गे भी कटेंगे, खाना पीना भी होगा, सुबह यह कहा जाएगा, पंचायत चुनाव का मशीन बता रहा हूं, कि शाम में मीटिंग में फाइनल करेंगे, और शाम में दो दो पैग लगेगी तो ये कह देंगे यार सबका मूड खराब हो गया है, अब सुबह बात करेंगे, और इस तरह का हमने मीटिंग देखा है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, 10 दिन कट जाएगा और उसके बाद पहले से ही फिक्स है कि किसको प्रधान बनना है, और इस तरह का पंचायत चुनाव होता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम समाज की सच्चाई को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।